और देश में अब यह आंकड़ा बढ़कर 9000 को भी पार कर गया है। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब है। लगातार महाराष्ट्र में संख्या तेजी से बढ़ती हुई और देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 9152 कुल मामले सामने आ चुके हैं। ठीक इसी तरह 308 लोग मर चुके हैं, मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। महाराष्ट्र में 1985 केस अब तक सामने आ चुके हैं, लगभग 2000 निमानिए, और लगातार मौत की संख्या भी बढ़ गई है। आगरा में, जो कि यूपी का हॉटस्पॉट कहा जा रहा है, 30 केस अब तक सामने आ चुके हैं, 30 केस नए सामने आए हैं। देश में कोरोना से 9152 लोग संक्रमित हैं। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन दिल्ली का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। 1153 मरीज दिल्ली में और 24 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। अलग अलग हॉटस्पॉट दिल्ली में भी चिन्हित किए गए हैं। और आप देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के बावजूद जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर किस तरह से आपको आरती उतारते हुए पुलिस वाले इन लोगों की दिखाई दे जाएंगे। तो अलग अलग तरीका पुलिस वालों का, कहीं सख्ती, कहीं नरमी, कहीं लोगों से निवेदन करते हुए, ये अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ी खबर यही कि कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े लगातार चौंका रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मुंबई से प्रीति सोमपुरा हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ दिल्ली से ऐश्वर्य जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति, पहले आपका रुख हम करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार संख्या बढ़ रही है, मुंबई का हाल सबसे बुरा है, इंतजाम अब क्या कुछ हैं? क्या पूरी तरीके से सील नहीं हो जाने चाहिए वो हॉटस्पॉट, वो इलाके चिन्हित करने के बाद आवाजाही भी मना हो, और साथ ही साथ जो जरूरी दुकानें खुली हैं उन्हें भी बंद किया जाना चाहिए, क्यों ना वहां पर होम डिलीवरी हो? महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें तो पूरे मुंबई में जो है इस वक्त जो है 350 से ज्यादा हॉटस्पॉट है, जहाँ पर कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं वो सभी इमारतों को सील कर दिया गया है और उस इमारत में बसने वाले लोगों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और यहाँ तक ऐसी बिल्डिंग में जो है जो फूड्स और साथ में ही जो है जो खाना पहुँचाना है वो सभी काम BMC के और पुलिस के कर्मचारी कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मामले जो सामने आए हैं वो वल्ली कोलीवाड़ा के साथ साथ जो है मुंबई के शिवाजी पार्क, दादर और धारावी इलाके में आए हैं। ये तीन जगह ऐसी है जहाँ पे सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र जो होम डिलीवरी की बात आप कर रही हैं कि आप सील कर दिया गया है, घर में जरूरी सामान डिलीवर हो रहा है, ये स्पेशली कोई बिल्डिंग है या फिर इलाकों को सील किया गया है? ये जो जानकारी मैं दे रही हूँ वो जो 350 हॉटस्पॉट है उसकी जानकारी है, जहाँ पर जो है आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी है और साथ में ही जो है किसी को भी बाहर आने की, अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जरूरी सामान जो है BMC और मुंबई पुलिस के कर्मचारी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और मुंबई के बाद अब रुख दिल्ली का भी कर लेते हैं। हमारे साथ ऐश्वर्य दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, अभी फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और खास करके जिन इलाकों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है, बाहर से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, चिंता की स्थिति लगातार दिल्ली सरकार के सामने बनी हुई है, क्योंकि कल जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक दिल्ली के अंदर लगभग 1000 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हो गए हैं। दिल्ली के पुलिस के ISI रैंक के ऑफिसर को भी कोरोना पॉजिटिव कल घोषित किया, और लगातार ये स्थिति बताई जा रही है कि जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस जगह जगह पर सामने आ रहे हैं, अब जो हॉटस्पॉट्स हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 45 तक कर दी जाएगी और 45 जगहों को अब चिन्हित किया गया है कि उन जगहों पर पूरी तरीके से सीलिंग हो और ऑपरेशन शील्ड इन सभी 45 इस हॉटस्पॉट्स पर लागू किया जाए। जिस तरीके से दिल्ली सरकार का ऑपरेशन शील्ड दिलशाद गार्डन में कारगर साबित हुआ, उसी तरीके से अब बाकी के हॉटस्पॉट्स में भी इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और मेडिकल टीम्स का गठन किया गया है और जगह जगह जाकर अब स्क्रीनिंग भी की जा रही है। ICMR ने जब कल लगभग 5500 से ज्यादा घरों की स्क्रीनिंग करी, उसमें जो डेटा निकल के आया है वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है और जो आंकड़ा जो निकल के आया है उसमें 60% से ज्यादा अभी भी निजामुद्दीन से जुड़े मामले हैं, और इसीलिए अब लगातार दिल्ली सरकार उन सभी
सभी मामलों को और बाकी के जो पॉजिटिव केसेस हैं वहां उन सभी इलाकों को लगभग सील करने की पूरी तैयारी बना चुकी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार ये जानकारी दी जा रही है कि अभी हालात काबू में हैं और सरकार हर तरीके से तैयार है। सैनिटाइजेशन का काम भी जगह जगह हो रहा है जैसे कि ऐश्वर्या ने हमें बताया, लेकिन फिक्र वाली बात यह है कि 100% में से 60% लोग जमात से जुड़े हुए तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। ये वो तमाम जमाती हैं जो मरकज में शामिल हुए और देश के बाकी तमाम राज्यों में अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए। इस बीच लखनऊ से भी हमारे साथ रवि संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, क्योंकि आज 20वां दिन लॉकडाउन का है, भी लोगों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो अगले लॉकडाउन को लेकर या लॉकडाउन खत्म होने को लेकर, हालांकि जो संभव नहीं लग रहा है उसको लेकर जानकारी कुछ देंगे। तस्वीरें जरा दिखाइएगा रवि, 20वें दिन लॉकडाउन का पालन किस तरीके से लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ अपडेट क्या है लखनऊ से, पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं? देखिए लखनऊ की स्थिति सामान्य है कह सकते हैं। लखनऊ में कुल 12 इलाके जो सील किए गए हैं, 4 इलाके ऐसे जिनको आंशिक रूप से सील किया गया, 8 ऐसे इलाके जिनको पूरी तरीके से सील किया गया है। पूरी तरीके से आवागमन वहां पर प्रतिबंधित है, पुलिस लगातार बैरिकेटिंग लगाकर वहां पर मुस्तैद है। उसके अलावा स्वास्थ्य महकमे को वहां जाने की इजाजत है, नगर निगम के लोग लगातार वहां सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। और साफ तौर पर बात करें तो लखनऊ में अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है और देख सकते हमारे पीछे की सड़क है, यहाँ पर सुबह का वक्त है, कुछ जरूरी कामों के लिए भले घरों से निकल रहे लेकिन इसके बाद का जो रहता है वो लोग घरों में ही रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और घरों से नहीं निकलते हैं, सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं और बाकायदा अगर बात करें तो मास्क का भी इस्तेमाल लगातार हो रहा है। कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री की अपील है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील करते रहे कि लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, घरों में रखें, आवश्यकता ना हो घरों से ना निकले, तो लोग इस चीज को मान भी रहे हैं। अभी अभी फिलहाल लखनऊ में क्या आंकड़ा है कोरोना का, क्या स्थिति, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें आंकड़ों के लिहाज से अपडेट क्या है ताजा रवि? देखिए करीब 6,052 हैं लोग जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए उत्तर प्रदेश भर की बात करें, और 30 से जो अधिक हैं वो मरीज हैं यहाँ पर लखनऊ के अगर माने जाए। उसके अलावा करीब 41 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना अपने पांव पसार चुका है और लगातार अगर बात करें अब तक कुल 483 लोगों की जो जांच रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ने से रोकी जाए और संक्रमण को रोका जा सके, इसको लेकर ही लॉकडाउन जारी किया गया और साफ तौर पर तमाम सारे जो 15 जिले हैं उन जिलों को सील करने का काम किया गया है ताकि जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण उसको बढ़ने से रोका जा सके, लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं लगातार बिल्कुल और पालन भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवि, ऐश्वर्या दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे और इसके अलावा प्रीति सोमपुरा मुंबई से थी, आप सभी का बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने